नमस्ते, मैं जानवी झा माइंड कुकिंग चैनल झांसी से। आप सभी को क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि मैम नेक्स्ट वीडियो कब आ पाएगा। आपको मैं ध्यान के बारे में बता रही थी। ध्यान क्या है? अष्टांग योग। वन बाय वन मैंने कहा था बताऊंगी, यम और नियम मैंने आपको बताया, और लेकिन साथ में उसके साथ कलर थेरेपी भी बताया, क्योंकि बैठते ही बैठते कई बार क्या होता है, हमें नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। यम नियम उसको फॉलो करते करते हमारे हो जाता है कि हमने ऐसा किया वैसा किया, जो मैं अभी आपको बताऊंगी आसन और प्राणायाम में, ये सारी बातें बताऊंगी मैं आपको कि कैसे क्या करना है। लेकिन कलर थेरेपी जो बताया मैंने वो भी आपको साथ में लगाने, क्योंकि डिप्रेशन में लोग बैठते हैं और इससे क्या और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब हम खुश होकर बैठते हैं तो ही पूर्ण कहते ना ध्यान पे आता है, ध्यान कर पाते हैं जिस तरीके से मेरे का है क्या, यानी जोड़ना ध्यान को। हम अगर योग को, योगा को देखा जाए तो योग क्या है? जोड़ना, एक से एक को जोड़ना दो हो जाता है, यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, यही तो है। क्या हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं किसी को? नहीं जोड़ सकते। अगर हम साफ हैं, सुथरे हैं, तो हमारे पास कोई भी आएगा तो एक से भले दो, ए वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, वन वन इज इक्वल टू इलेवन, ये भी है। लेकिन कहने का मतलब है जब आप खुद अपने आप को साफ सुथरा यानी यम और नियम से आपने किया, फिर आसन और प्राणायाम दोनों में फर्क क्या है ये आपको जानना है। आसन, आसन करने से पहले क्या है, सुखपूर्वक बैठना है आसन, क्योंकि आसन में जब हम बैठते हैं तो बैठने के बाद उस कैसी जगह होनी चाहिए, साफ सुथरी समतल जगह होनी चाहिए, वहाँ पे आप बैठिए, कुछ भी बिछा के बैठिए। आप बैठने के बाद आप अपनी गलतियाँ, अपने खामियाँ या अपने डाउट्स या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको देखना, त्रुटियाँ जो भी हैं उसको देखना और दूसरे का देखना, ये दोनों ही आपको करना है, लेकिन अपने सुखपूर्वक आसन में बैठना है जिससे आप कंफर्ट फील करें कि किस तरीके से आप बैठ सकते हैं। लेकिन घुटनों के बल बैठने को मना किया है, ज़्यादा देर नहीं बैठना है। जब हम ये करते हैं, आसन करते हैं, तो इसमें छींक नहीं आना चाहिए। क्या हाँ, जब हम आसन में बैठे तो आसन में बैठते हुए भोजन नहीं करना, सोना नहीं है, ये याद रखना है। आसन में ये है, आसन और प्राणायाम में सूक्ष्म जो कहते हैं ना वो अंतर है। प्राणायाम क्या है? सांसों का प्राणायाम क्या है? शरीर के में जो श्वास है उसका बाहर जाना और अंदर आना, ये है दोनों में दो, क्योंकि आसन करेंगे तभी हम प्राणायाम कर पाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज है। आयुर्वेद में वायु को प्राण संज्ञा भी प्रदान दिया हुआ, उसका नाम कहा गया है। आपको समझना है दोनों में फर्क। आसन जिसमें हमने कहा कि अपने बारे में अपनी त्रुटि, दूसरे की त्रुटियों क्या है क्या नहीं है वो आपको समझना है और बैठना है, और प्राणायाम सांसों पे आपको ये समझना है। आयुर्वेद में वायु को यंत्र तंत्र को धारण करने वाला कहा गया है। प्राण दान उद्दान सॉरी प्राण उद्दान व्यान समान और अपान को आत्मा का रूप कहा गया है। आप समझिए कि प्राणायाम और आसन दोनों, जिस तरह से हम कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं कहीं पे भी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, यानी फ्रेश होते हैं, तो हमने यम और नियम के थ्रू किया। आसन और प्राणायाम, आसन यानी हम गए वहाँ पे और बैठे, वहाँ बैठे यानी आसन किया। प्राणायाम, प्राणायाम यानी हमने वहाँ पे अपने क्लाइंट देखे या अपना जो भी हमारा ऑफिशियल वर्क है, हमने स्टाफ फाइल देखी, जो भी देखा, यानी प्राणायाम किया, यानी सांसों को देखा। क्या हमारी सांसें किस तरीके से चल रही हैं, किस क्या कर रही हैं, और इसमें हम जो योगा कर प्राणायाम है जो हम योगा करते हैं, देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो तप करते थे, जंगलों में जाके करते थे, ये सब वहाँ पे जाके जानवरों को उन्होंने देखा,
जानवरों को देखा कि किस तरीके से वो स्वस्थ रहते हैं। उन्हीं से ये बना है, कई तरह के प्राणायाम आसन और प्राणायाम बने हुए हैं। उन्हीं से देखा, जैसे कौआ चाल आसन है। कौआ क्या कभी बीमार होते देखा है आपने? हाँ, एक्सीडेंटल केस हो गया, वो मर गया, बात अलग, लेकिन बीमार होते देखा नहीं। कौआ चाल आसन करके देखी। कई आसने ऐसी हैं, कई प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें आपको समझ में आएगा, सांसों का समझ आना सबसे बड़ी बात। देखिए, ऐसे आपको यम नियम आसन प्राणायाम समझ में आ गया होगा। आप इन चारों चीज को फॉलो करिए, फिर मैं आपको प्रत्याहार और धारणा आपको बताऊंगी। पहले इन चीज को फॉलो करिए आप, और अगर टेंशन हो रहा है या थॉट्स आपके नेगेटिव आ रहे हैं, कुछ ऐसे विचार आ रहे, लेकिन साथ में आप कलर थेरेपी भी फॉलो करिए। अभी देखिए, घर पे हैं तो हम ये आराम से कर सकते हैं। यम नियम यानी हम बाहर से किसी से भी, बाहर ना बाहर का आदमी कोई आ रहा है ना हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमारे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकलेगा, ना ही कुछ हम नज़र से कुछ देखेंगे बुरा, मन साफ रहेगा। तो हमारा यम नियम हो गया। आसन, एक जगह बैठना, आप बैठ जाइए, घर में किसी भी कोने में साफ सुथरा जगह पर बैठ जाइए। और अब बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आप जानते हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आपने बहुत गलतियां की हैं, त्रुटियां हुई हैं हमसे, या दूसरों की हम सोचते हैं उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वो त्रुटियां उसको सोचो। फिर प्राणायाम यानी अपने आप को, यानी मानसिक, हमने आसन से जो हमने थॉट्स लिया उससे मानसिक तरीके से अपने आप को फिट किया। अब शारीरिक यानी प्राणायाम से शारीरिक रूप अपने आप को फिट करना है, तभी हम ध्यान के लिए अपने आप को फिट कर पाएंगे। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।